विदेशों में नौकरी दिलाने वाले ग्रोहों का पर्दाफाश। श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन में NCR क्षेत्रों में फर्जी कॉन्सल्टेंसी सेंटर व बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले ग्रोहों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना इंदिरापुरम पुलिस को सफलता हाथ लगी। इंदिरापुरम पुलिस को ये सफलता दिनांक 10 मार्च 2019 को समय रात लगभग 12 बजे EDM मॉल के सामने कौशाम्बी से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कों से उनके पासपोर्ट और कैश में पैसा लिया जा रहा है, उनको के नाम पे। जब जानकारी दी तो पता चला कि ये सभी कार्य जो किया जा रहा है फर्जी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जिन्होंने सभी दस्तावेज अपने बना रखे हैं। इसी क्रम में दोनों को आज थानांतरपुरम पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है। नाम मनोज अगस्तुल का दिल्ली में भी रिपोर्टिंग करा गया। यस, बात ये थी कि जिस तरीके से ये ऑपरेट करते थे, जिस भी थाना क्षेत्र में ये ऑपरेट करते थे, जिस भी सिटी में ऑपरेट करते थे, जहाँ इनके पास ज़्यादा मुकदमे होने लगते थे या फिर ज़्यादा लोग को ये फूल कर देते थे, वहाँ से अपना बेस हटाकर ये नई जगह अपनी बेस स्टैब्लिश कर लेते हैं। जी, ये जानना चाहेंगे कितने पासपोर्ट बरामद हुए इनसे 27 के करीब बताए गए। हाँ, 27 पासपोर्ट्स इनके पास से मिले हैं जो कि सभी बेरोजगार युवकों के हैं। ये उन लोगों के कागजात और पासपोर्ट अपने पास रख लेते थे और उनको इंटरव्यू के बहाने अपने यहाँ बुलाकर जॉब देने का आश्वासन देते थे और उसके बाद ये लोग अपना कंपनी बंद करके चले जाते।